اللهم انا ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. باعث الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات الله. शिया होने के न होने के बावजूद
उनका क्या अकीदा है मौलाए कायनात के सिलसिले में नकल किया गया। उसके बाद अब आई बात शियों के दरमियान, मरहूम अल्लामा अमीनी का भी जिक्र किया गया कि क्या फरमाते हैं। खुदा के कसम मेरा दिल चाहता है कि बाद वफात पैगंबर अल्लाह ने पैदा किया होता, शब और रोज नींद और भूख का एहसास सल्ब कर लिया होता, कयामत तक की खुदा ने जिंदगी दी होती, मेरा काम कुछ ना होता सिवाय इसके कि कब्र अली पर बैठ के मजलूमियत अली पर गिरिया करता। यहां तक आ गए। अब दो सवाल और बचते हैं कि गैर मुस्लिमों का तो यह ख्याल है, मुसलमानों में सुन्नियों और शियों का यह ख्याल है, या रसूल अल्लाह आप क्या फरमाते हैं अली के लिए? और फिर एक सवाल ये भी, या अली आप क्या फरमाते हैं खुद अपने लिए? तो मुमकिन है कि मुश्तरका जवाब हो कि हम फरमा तो दे अपने लिए, मगर अपनी बात तुम कहो कि हकीकत समझ सकते हो। बात यहीं से कल छूटी भी थी कि मसला उनके समझाने का नहीं है, मसला यह है कि तुम्हारे पास इतना भेजा है क्या मतलब का, इसलिए रसूलुल्लाह ने पहले ही कह दिया था अली तुमको या खुदा ने पहचाना है या मैंने पहचाना है, यानी मेरे और अल्लाह के अलावा तुम्हें कायनात में कोई पहचान ही नहीं सकता। तो जब पहचानना तो दूर की बात, इनके मुतालिक जो हदीसें हैं, इनके मुतालिक जो रिवायतें हैं वो इंसान नहीं समझ। एक रसूलुल्लाह की हदीस सुनाता हूं, एक मौलाए कायनात की हदीस सुनाता हूं और आपसे पूछता हूं मतलब बताइए इसका। अगर वक्त बचा तो फिर उस पर और आगे बात चलेगी कि आखिर क्यों नहीं पहचान सकता कायनात में इंसान अली को। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बहुत मशहूर वाकया है और इस हदीस को रट करके मजलिस हमने पढ़ी आज से 25 साल पहले गालिबन, ये 78-77 की बात, जब ऐसे नाजिया में दाखिल हुए थे तब वो एक बुजुर्गवार ने मजलिस लिख के दी थी, उसमें ये हदीस थी, तो उस वक्त जो उन्होंने लिख के दिया होता याद कर लिया होता पढ़ दिया। लेकिन अब आपके सामने मैं पढ़ता हूँ उस हदीस को फिर आज 30 साल के बाद, और आप बताइए इसका क्या मतलब हुआ। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मौलाए कायनात के लिए कि या अली अंत बिमनजिलतिल काबा है, बहुत मशहूर हदीस है सब जानते हैं, अली तुम्हारी मिसाल जस्ट लाइक काबा, आपके मिसाल काबे किसी है। ये जो तारीफ रसूलुल्लाह ने फरमाई है मौलाए कायनात की तुम्हारी मिसाल काबे किसी है, इसमें हजरत मौलाए कायनात को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? अच्छा ये बात मेरे दिमाग में आई कहां से, असल मुहर्रम इधर उधर निकल लेते हैं लेकिन रमजान में कोशिश ये करते हैं कि अपने गांव में रहे अपने वतन में रहे। एक साल दो तीन साल पहले याद होगा आपको ईद पड़ गई थी 6 दिसंबर और वो सुबह ही से, अच्छा कई गांव मिलके आसपास के सब इकट्ठा नमाज पे आते हैं, वो सुबह से साइकिलों का सिलसिला शुरू हो गया, वो अब्बा ने भेजा है पूछवाया कि आज नया कपड़ा पहने कि ना पहने, वो एक या दूसरा फिर आ गया, तब तक वो चच्चा ने कहलवाया है आज नया, अच्छा हमको तो ये क्या चक्कर है यार, जिसको देखिए चला आ रहा है कि नया कपड़ा पहने कि ना पहने, नया कपड़ा पहने कि ना पहने, तो यार मैं हो आज ये 6 दिसंबर है। अगर आदमी जहां से आंख खोली हो उसको 25 साल है तो उसको टेंशन भी रहता है क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े, वो इत्तेफाकन दिमाग में क्लिक कर गई बात कि चलो आज ईद का खुतबा इसी पर हो जाए। और अब जो है वो नमाज जुमा ईद में साथ भी तो है, ईद का खुतबा पहले होता है नमाज जुमा का, ऐसे सुनिएगा से
ये तो वहां की बात थी, वो बात आगे जो करना था हमको यहाँ अपना खुदबा थोड़ी दोहराना। अब उसी को मैंने फिर बाद में जब मजलिसों का बताया तो घुमाया, ये बात तो इस हदीस में भी आ सकती है। अगर तुम ये कह रहे हो कि काबा अशरफ के हुसैन, तो ये सवाल तो और ही पैदा होगा कि काबा अशरफ के अली, आपसे सवाल, काबा अफजल है कि अली? सोच के बोलिएगा, काबा अशरफ के अली? जवाब, काबा बैतुल्लाह है, काबा मजहुल, काबा एक ऐसा घर है जो जिसके निस्बत खुदा की तरफ है। इंसान लाख नमाजें पढ़े, दुआएं करे, अगर क़िबला की तरफ रुख करके नहीं खड़ा होगा, उसकी नमाज नमाज नहीं है, उसकी इबादत इबादत नहीं है। इंसान अगर मर जाए और इस काबिल हो काबे की जियारत को न जाए, तो यहूदी है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करो, काबे की शरफ है, काबे की बुलंदी है। जवाब, अगर काबा बैतुल्लाह है तो अली नूरुल्लाह है, अली वजहुल्लाह है, अली ऐनुल्लाह है। अगर बगैर काबे की तरफ रुख किए इबादत मुमकिन नहीं है, तो बगैर अली की तरफ दिल किए ईमान मुमकिन नहीं। सिलसिले में अगर उसकी शरफ और उसकी फजीलत पर नजर की जाए, तो हम लोगों के यहां एक किताब पढ़ाई जाती है आलिम में मालिमुद्दीन, सभी पढ़ते हैं उसके, लेकिन जो जिस लाइन का होता है किताब को उसी एंगल से पढ़ता है। मालिमुद्दीन के मुकदमे में साहब मालिम ने एक बहुत लतीफ बात कही है, ये उनकी फजीलत है, उसको मैं दोहराता हूं आपकी खिदमत में। आप आंख बंद कर दीजिए, अपने सब लोग आंख बंद कीजिए और आंख बंद करके सोचिए क्या जहन में आता है। जो कुछ जहन में आएगा उसकी दो सूरत है, सोच, देखिए सोच पर कोई पाबंदी सोचने तो नहीं, सोच लीजिए मैं फला जगह बादशाह हो गया हूँ, मैं फला जगह पे जो फला हो गया हूँ। जब कभी नींद नहीं तो हम भी अक्सर लेट करके सोचा करते हैं, उस सोचते सोचते सो जाता है आदमी, तो सोचने में कोई पाबंदी नहीं है। जब आदमी आंख बंद करके सोचेगा तो जितनी चीजें जहन में आएगी उसकी दो किस्में होंगी, तीसरी कोई किस्म हो ही नहीं सकती। क्या कि जो तुम्हारे जहन में ख्याल आया है, जो तुम्हारे अकल में चीज आई है जिसको माकूल कहिए, अकल में जो कुछ तसव्वुर आया उसकी दो किस्में होंगी, या वो चीज मौजूद है या मौजूद, इसके अलावा कोई तीसरी सूरत सोचने में चाहिए सोच लीजिए आप। लेकिन जो कुछ जहन और अकल में बात तसव्वुर की जा सकती है उसकी सिर्फ दो किस्में, या वो बाहर मौजूद है या मौजूद नहीं है। अब आकर से पूछिए इसमें अफजल कौन है, मौजूद या वो जो मौजूद नहीं है? मौजूद ना, चलिए तो अब जो मौजूद नहीं है मालूम है उन तसव्वुरात से हमसे कोई मतलब नहीं है। आप तमाम मौजूदात को सोचिए, जितने किस्म की मौजूदात का तसव्वुर हो सकता है उसकी दो किस्में है, या उसके अंदर बढ़ने की सलाहियत है या बढ़ने की सलाहियत नहीं है। आकल से पूछिए इसमें अशरफ और बुलंद कौन है, जिसके अंदर बढ़ने की सलाहियत हो, जिसके अंदर बढ़ने की सलाहियत नहीं है। जैसे पत्थर जमीन, वो अशरफ नहीं बनते, जहां बढ़ने की सलाहियत है वो अशरफ है। फिर आप बंद कीजिए कि जितनी चीजें जिनके अंदर बढ़ने की सलाहियत है, दरख्त भी है बढ़ने की सलाहियत रखता है, पेड़ है बढ़ने की सलाहियत रखता है, जानवर है बढ़ने की सलाहियत रखता है, बशर है बढ़ने की सलाहियत, तो आप बढ़ने वाले अशरफ है किसके मुकाबले में? न बढ़ने वालों के मुकाबले। अब जितनी नामी चीजें यानी बढ़ने वाली चीजें उनको सोचिए उनकी दो किस्में होंगी, या बढ़ने के साथ साथ उनके अंदर हिस भी है या हिस नहीं है। और आखिर से पूछिए अफजल कौन है, जिसके अंदर हिस पाई जाए। लिहाजा अब हैवान बुलंद होगा नबातात के मुकाबले में। अब जितने हसास चीजें दुनिया में है, अभी हम भी शामिल हैं उस हसास में जानवर के साथ, फिर उनकी दो किस्में होंगी, या वो हिस वाली चीजें आकल रखती होंगी या आकल नहीं रखती होंगी। आप पूछिए अशरफ कौन है, आकल रखने वाले। आप बच्चे सबसे अशरफ कौन हुआ दुनिया में, जिसके पास आकल हो, फिर आकल
बंद कीजिए और सोचिए कि ये जितने अकल वाले हैं उनकी दो किस्में हैं, या आलिम है या जाहिल है। अब बताइए इसमें अशरफ कौन है? आलिम। तो आप पूरी दुनिया में अशरफ मखलूकात, अशरफ मौजूदात कौन? आलिम। कल कह चुके कि फिर ये आलिम की भी दो किस्में हैं, एक हकीकी आलिम, एक मजाजी आलिम। एक वो है जो पैदा होता है जाहिल, सीखता जाता है, इल्म बढ़ता जाता है। एक वो है जो अल्लाह के यहां से इल्म लेके पैदा होता है, जो खुदा के यहां से इल्म लेके पैदा हो वो अशरफ है, या जो जाहिल पैदा हो वो अशरफ है। जो खुदा के यहां से इल्म लेके आएगा वो अशरफ होगा। अली उस इंसान का नाम है कि आंखों से पैगंबर ने आते ही तौरे सुनाई, सुनाई कुरान सुनाया, इंजील सब सुन। तो अब अली सारी कायनात में अफजल है। काबा काहे से बना है? कहां से कहां का मुकाबला है? सलमान पढ़िए मोहम्मद वाले। जिसके अंदर शऊर नहीं, जिसके अंदर नमूव नहीं, अली अशरफ मौजूदा। अभी हमारी बात ना मानिए, हमारी बात मुमकिन है, गलत। लेकिन एक सवाल तो होगा कि अगर हमारी ये थिंकिंग जो मैंने कही है, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन अगर हमारी ये थिंकिंग सही है कि अली अशरफ कायनात है, तो काबे से मिसाल क्यों दी? ये अली को घटाया जा रहा है कि बढ़ाया जा रहा है? तो क्या मतलब? मैंने कहा देखिए दुनियावी तरीका क्या है बढ़ाने और घटाने का। अभी आप कहिए कि वसी हसन बिल्कुल मौला शहनशाह साहब इतना पढ़ता है तो हमारा मर्तबा थोड़ा सा। अरे साहब वसी हसन क्या कहना उसका, एकदम आप आग बंद करके तय नहीं कर सकते अदर साहब पढ़ने कोई और। वसी हसन जस्ट लाइक अदर साहब पढ़ते हैं तो वसी हसन का मर्तबा बुलंद होगा नहीं बुलंद होगा? लेकिन इसी को उलट दीजिए आप, हमें शहनशाह साहब बिल्कुल वसी हसन की तरह पढ़ते हैं, अदर साहब एकदम टू कॉपी वसी हसन की नकल करते हैं, तो ये अदर साहब को आप घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? घटाया ना। शहनशाह भाई को आपने बढ़ाया के मुस्लिम सर, तो हमेशा बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? पहले से पालने वाले तेरे हबीब ने। अच्छा अगर कोई और आम आदमी कहता तो उसकी जबान कैच लेते। तुम्हारी ये हिम्मत एक बेजान चीज से अली को निस्बत दे रहे हो, लेकिन ये किसने की निस्बत दी है? सरकारे दो आलम ने, रहमतुल्लिल आलमीन ने। अली तुम्हारी मिसाल काबे किसी, या रसूल अल्लाह आपने अली को काबे से मिसाल देकर हमारे मौला का मर्तबा कम किया है। कहा हमने मर्तबा कम नहीं किया, तुम्हारी अकल में फतूरत समझ नहीं। हमने कहा हमारा तरीका भी है कि हम हमेशा छोटी चीज को निस्बत देते हैं बड़ी चीज से। कहा तुमको अपनी ही बात याद नहीं रहती, तुम्हारा ही तरीका यह है कि हमेशा तुम बुलंद चीज को छोटी चीज से तशबीह देते हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। हमारा तरीका यह कि हमेशा हम छोटे को निस्बत देंगे बड़े से, वो ऊंचा हो जाए। गाना गलत कहते हो तुम्हारे। ये बताओ इंसान अशरफ है कि जानवर? इंसान। अभी जो है वो आप बैठे हैं इतने में लड़का है, मैंने कहा अरे शेर है माशाल्लाह शेर। कौन सा बाप है जो खुश होगा नहीं? है कोई बाप जो नाराज हो जाएगा? अब रसूलुल्लाह अगर पूछे क्यों जानवर अफजल है कि इंसान, हमने कहा साहब इंसान का तो फिर इंसान को जानवर से तशबीह क्यों दी गई? तो जो काम तुम खुद कर रहे हो भाई हम कर रहे हैं, हम करते हो इतराज करते हो। सलमान पढ़िए मोहम्मद वाले। अब चलिए फिर चलना होगा 15-20 साल पीछे। आठवें में हम लोगों को एक किताब पढ़ाई गई जिस मंदिर में, जिसका नाम कुबरा, याद है ना? कुबरा में तशबी, देखिए हर जैसे उस दिन कहना झूठ बोलने का भी अपना कानून है, भूलने का भी अपना एक उसूल है, वैसे ही तशबीह का भी अपना एक। चार चीजें किसी भी चीज में तशबीह के लिए जरूरी है, चार चीजों का होना। एक मुशब्बा, दो मुशब्बा उन पे बकारी नहीं होगी,
पानी में जाना खूब आता है मुझको। हमारा एक दूध वाला आता समझे, तो एक दिन हमारे मास्टर ने मोहसिन साहब कर लिया, अरे यार अजीब कल अजीब हो जाए, कल आज कुछ दूध में पानी ज्यादा कर लगा था पाओ और ले लीजिए। तो हम बिल्कुल अजीम टाइप के आदमी इतना पानी मिला देते हैं कि आसानी समझ में आ जाए। चलो आप कोई जवाब बनवा लेना। तस्बीह के लिए चार चीजें जरूरी है, एक मुशब्बह बे, एक हर्फ शबा, एक वजह शबा। ये चारों है क्या? मुशब्बह कहते हैं जिसको तस्बीह दी जाए, मुशब्बह बे जिसके जरिए तस्बीह दी जाए, हर्फ शबा शबाहत के लिए जिस लफ्ज को यूज किया जाए, चौथी चीज है वजह शबा शबाहत दी क्यों गई। मसलन मिसाल हमको पढ़ाई गई जैसे ज़ैदुन कल असद, ज़ैद मिसल शेख, इसमें चारों चीजें ढूंढ लिया क्या, ज़ैद हुआ मुशब्बा उसको तशबीह दी गई, किससे तशबीह दी गई, कल असद तो असद हुआ मुशब्बहुन बे, वो लफ्ज के जिसके जरिए तशबीह दी गई वो क्या है, अरबी में आया काफ, उर्दू में आई मिसल, ज़ैद मिसल शेख, तो मिसल हुआ हर्फ़े शबा, ज़ैद हुआ मुशब्बा, असद हुआ मुशब्बहुन बे। चौथी चीज बची, ये ज़ैद को शेर से निस्बत तीस हो गई, वजह शबा क्या है, इसलिए कि ज़ैद शेर के बड़े बड़े नाखून है, ज़ैद भी जो है वो चार महीने हो गए नाखून नहीं कटवाया उसने, इसलिए शेर कहा गया, शेर मुंह नहीं धुलता है, ज़ैद भी जो है वो बगैर मुंह धुले सुबह उसको बेटी कहा जाता है, ये भी शेर की अलामत है, शेर नहीं बेटी करता है शायद, हाँ तो वो इसलिए कहा गया शेर दरिंदा है, इसलिए ज़ैद भी दरिंदा, इसलिए मिसाल दी गई, कहा नहीं, तब फिर ज़ैद को शेर क्यों कहा गया, न उसके बड़े बड़े नाखून है, न उसके अंदर दरिंदगी पाई जाती है, न कच्चा गोश्त खाता है, कहा शेर के अंदर ये सारी चीजें हैं मगर एक चीज है जिसकी तरफ आपने तवज्जो नहीं की, कहा वो क्या, कहा एक चीज है शेर के अंदर जिसका नाम है जुरात, जिसका नाम है हिम्मत, जिसका नाम है शुजाहत, जिसका नाम है बहादुरी। जब किसी को किसी चीज से तशबीह दी जाती है तो उसको हर एंगल से देखने की जरूरत नहीं है कि बड़े नाखून हो तभी कहिए शेरा, कच्चा गोश्त खाए तभी कहिए शेरा, अगर एक सबब भी पाया जाता है तो तशबीह दी जा सकती है। जब ज़ैद को शेर से तशबीह दी गई तो उसके नाखून को नहीं देखा गया, उसके कच्चे गोश्त खाने को नहीं देखा गया, उसकी दरिंदगी को नहीं देखा गया, फिर वजह शबा क्या है, शेर का जरी होना, शेर का बहादुर होना। वैसे ही जब पैगंबर ने मौलाए कायनात को अली को तस्बीह दी है खाने काबा से, उसके ईंट को नहीं देखा है, उसके पत्थर को नहीं देखा है, उसके बेजान होने को नहीं देखा है, फिर वजह शबा क्या है, सलाम करिए वजह शबा क्या है। कसम खाओ कोई मेरी बात मानने को तैयार कमियां
रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, जिसके कौन को नहीं समझ सकते उसकी जात को क्या समझोगे। ये तो बात एक हदीस में है रसूल, हजरत अली की भी सुनाओ। और रसूल इतनी मशहूर है कि आप सब दोहरा देंगे, खुद मौला फरमाते हैं अपने लिए। तो क्या मतलब हुआ इसका, या अली तुम्हारी मिसाल काबे किसी है, मतलब जिसको गरज हो वो तुम्हारे दर पर आएगा तुमको, हत्ता हत्ता कि अगर हुकूमत को भी गरज हो तो हुकूमत अली के दर पर आएगी। 25 साल अली घर में बैठे रहेंगे, अली हुकूमत के लिए ना जाएंगे, और अली 25 बरस घर में बैठ के हुकूमत की नाक अपने दरवाजे पर लगवा के नबी के तौर पर पहुंचते हैं। उसको इम्कान के खाते में डाल दो, भैया हमारे पल्ले तो नहीं पड़ी बात,
देखिए किसी चीज का इकरार आसान है इनकार के मुकाबले में। सलवार पढ़िए मोहम्मद। हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसमें आलिम की हदीस भी है, उसूल काफी पढ़ा भी रहे हैं, तो वहां शुरू में एक आठ दिन जो दर्स होता है उसूल हदीस के सिलसिले में, तो उसमें एक बात आती है कि अहादीस कुरान मुहकम भी है और मुतशाबिह भी है। वैसी हदीसें हैं, कुछ हदीसें बिल्कुल साफ है समझ में आ जाती हैं, कुछ हदीसें हैं जो समझ में आने वाली उसके लिए क्या कहें, हदीस मुतशाबिह को कबूल करें या इनकार कर दें। तो वहां हम ये मिसाल देते हैं कि किसी भी चीज का कबूल करना तो आसान है इनकार के मुकाबले में, लेकिन जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको कबूल भी नहीं कर सकता आदमी, और इतनी अकल नहीं हमको कि आसानी से इनकार कर दे। इसलिए हो सकता है कि आज इनकार कर दे करो ये चीज सही हो। मिसाल ये हम आपकी क्लास में जो देते हैं, आप कह रहे मसलन एक सुई गिर गई, सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामने रखी है इसमें हमको कुछ काबिलियत करनी पड़ी, कुछ नहीं, इत्तेफाक से जहां सुई थी वहां नजर पड़ गई, तो सुई है इसका इकरार आसान है कि नहीं है, इत्तेफाक से नजर पड़ के मिल गया है। लेकिन अगर हमको उसके मुकाबले में यह कहना होता कि मुतमईन हो जाओ शब्बीर भाई इस पूरे इमामबाड़े में सुई नहीं है, तो क्या इतनी आसानी से कह सकते थे? जब तक इमामबाड़े की एक एक जगह जो सुई के बराबर है हमारी निगाहों से गुजर न जाए तब तक हमको इनकार का हक नहीं है। तो किसी चीज का इकरार आसान है इनकार के मुकाबले में, लिहाजा हम इनकार तो कर नहीं सकते, मगर यह भी अकल कबूल नहीं करती कि मौलाए कायनात किसी को कम जानते हो। सलमान पर पापा फंस रही है, ऐसी राह चलते हल होती है अगर अल्लाह चाहे, ना किसी किताब पढ़ने की जरूरत है, ना कहीं डीप में जाने की जरूरत है, कभी कभी बात यूं ही हल हो जाती राह चलते। हुआ क्या, हमारे फैजाबाद में यूपी वगैरह में आपने देखा होगा, गए होंगे रिश्तेदार या मुमकिन है हो, तो फैजाबाद वो खास करके यूपी में रोडवेज पर बसों में तरीका यह है कि जब आप बैठिएगा तो लड़के कुछ बड़े वहां जाते हैं और यूं दो मरता मारेंगे टन टन, हाँ तो आपकी बस के अभी चलने में थोड़ा सा विलंब है, कुछ प्रचार सुनते चलिए। अब वो किताबें हाथ में लिए रहते हो, प्रचार अपना शुरू कर देते हैं, वो कौन सा गांव है जहाँ बकरा दूध देता है, वो कौन सा जज है जिसने उल्टे होकर के जो है फैसला दिया, वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो एक दिन भी पार्लियामेंट में नहीं गया, वो कौन सा मुल्क है जहाँ कपड़े बाहर निकलता है, वो कौन सा देश है जहाँ लोग बालू से घुस के इतना सफर किया, सुना भी याद हो गया सब। वो अपना बचा करते करते अचानक उस बच्चे ने कहा क्या वो क्या साइंटिफिक रीजन है कि बच्चा फरवरी में कम रोता है? हमने जैसे सब सुन लिया था वैसे ही ये भी सुन लिया। हमारे बगल में इत्तेफाक से एक डॉक्टर साहब बैठे थे, सीएमओ थे, उस दिन इत्तेफाकन गाड़ी वाड़ी नहीं है, वो भी बस में सुल्तानपुर पोस्टिंग जा रहे थे, वो इत्तेफाकन सीएमओ होने के पहले चाइनीज मिस्ट्रेस रह चुके हैं। लेकिन मौलाना यार ये हमको भी नहीं पता कि बच्चा क्यों रोता है फरवरी में कम, जल्दी से जेब से 10 का नोट निकाला कर लो किताब दो किताब ले लिया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। आपसे वहां फोन से बच्चा क्यों रोता है कम पढ़ा, मुस्कुराए कहने का बल्ला मौलाना ये कमबा पैसा कमाने के चक्कर में क्या क्या हरकतें करते हैं, मैंने क्या हुआ कुछ नई बात इसमें लिखी, बच्चा क्यों कम रोता फरवरी में, पढ़ लीजिए आज जो हमने पढ़ा था हमें भी हंसी आ गई, बच्चा फरवरी में कम क्यों रोता है? उन्होंने क्या जवाब, इसलिए कि फरवरी में दिन ही कम होते हैं। हो गई ना जवाब, समझ में आ गया नहीं आ गया? नहीं समझे तो और आसान कर दे,
आप इंसाफ से एक छोटा सा जुमला 10 मिनट इसमें उलझाया मैंने है नहीं और 20 मिनट उसमें उलझाया और समझ आया कि हाँ बात तो सही है कि मौला को काबे से क्यों मिसाल दी गई। बात तो सही है कि जमीन के रास्ते कम आसमान के रास्ते ज्यादा खुद ही फरमा रहे हैं। जब हम एक जुमला नहीं समझ सकते तो जात को क्या समझे। फितरा नहीं समझ सकते तो हम शख्सियत को क्या समझ सकते हैं। या अल्लाह बस इतना काफी है कि दुआ कीजिए अल्लाह मरते दम तक इश्क अली पर कायम रखे, मरते दम तक मोहब्बत अली पर कायम रखे। अली को पहचानना आसान नहीं है, अली को पहचान समझना आसान नहीं है। भाई इतनी दुआ की जवाब इश्क अली ये उसकी नेमत है। जैसे इल्म के लिए कहा गया ना अल इल्म क्या पहचाने, न जाने कितनों ने दुश्मनी करना चाहिए, न जाने ने कितनों ने रिस्वा करना चाहा। यानी एक एक बात पर ये सब परेशान करते हैं। तो मैंने अभी कहा कि अल्लाह आईनी ने फरमाया कि खुदा की कसम मेरा दिल चाहता कि कयामत तक अल्लाह जिंदगी दे और बैर के मजलूमियत अली में गिरिया करें। अली पूछ रहे सलूनी कबलान तफ्तूनी, मुझसे पूछो कबीजर मैं तुम्हारे दरमियान न रह जाऊं। अली पूछता मेरे सर में बाल कितने हैं, इससे बढ़ करके और मजलूमियत क्या हो सकती है। और अली ने खूब जवाब दिया बता तो दूंगा गिनेगा कौन, हम तो बता देंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले उस बात पर अमल होना चाहिए। अदबु औलाद अला हुब अली इब्ने अबी तालिब, अली की मोहब्बत में इश्क अली में जो वाकई होते हैं ना कि थोड़ा सा नाम में मिस्टेक कर दिया। रुशैद हजरी को हमने अदी इब्ने हातिम कह दिया, कभी जो दास्तान के इमाम ने सलाम किया वो कौन थे रुशैद, अदी के लिए कहे हैं अदी इब्ने हातिम। ऐसा आशिक अली के अदी के बेटे तारिफ ये तीनों जंगे सिफीन में मौलाए कायनात की रकाब में शहीद हो गए। इत्तेफाक से अभी जिंदा रहे। कुछ दिनों के बाद शाम का सफर हुआ, तलब किए गए क्या हुआ। हाकिम शाम ने अदी पर नमक पाशी की, कहता है अदी अली ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। क्या अली ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, क्या कह रहे हो तुम। और क्या तुम्हारे 3-3 बेटे सिफीन में कत्ल हो गए, अली का एक बेटा भी नहीं कत्ल हुआ सिफीन में। क्या जवाब दें जिसके वाकई 3 बेटे कत्ल हो गए हो और उसको कोई इस तरह से दंस करे कि देखा अली को उनका एक भी बेटा कत्ल नहीं हुआ, तुम्हारे 3-3 बेटे कत्ल हो गए, ये कहां का इंसाफ है अली का। मगर इसको कहते जब इश्क होता है ना वो इधर उधर नहीं देखता, इश्क का जादू सर चढ़ के क्या क्या बनते हो। अली ने इंसाफ नहीं किया, मैंने इंसाफ नहीं किया अली के साथ, क्या मतलब का वो खुद शहीद हो गए मैं अभी तक जिंदा हूं जबकि मुझको कत्ल हो जाना चाहिए। या अल्लाह हम सबको वैसे ही आशिक बना दे, मर्द हो या औरत। देखिए जहां मोहब्बत की बात है, एक किस्सा और सुन लीजिए। चलिए 10-12 बाद पा जाए कोई मसला नहीं, 6 मुहर्रम के बाद अब कहां वक्त मिलता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले कैसे हो गए, खुदा न करे किसी पर ही आफत आए। एक ताजिर बेचारा बगैर तजारत के गांव से गया, वहां जेब कट गई, क्या हुआ फकीर हो गया। अब वो पेट तो भर नहीं है बेचारे को, अब जब बर्दाश्त करते करते नहीं बर्दाश्त हो सका तो एक दुकान पर ऐसा परदेसी हूं जेब कट गई, जो भी हुआ चोरी हो गई मैं परेशान हूं। अली कहते उससे गलती यही हुई है जरा से।
अली के नाम पर इतना दे दो कि अपना पेट भर सको। वो इत्तेफाक से दुकान थी नासिबी की। नासिबी क्या है? नासिबी वो लोग हैं कि जो अलल एलान मौला अमीरुल मोमिनीन को बुरा भला कहते हैं। इत्तेफाकन वो दुकान नासिबी की थी। उसने कहा क्या इस्लाम पर और मैं बर्रा से? इस्लाम पर तो एक चवन्नी नहीं कह सकता। तो बेचारा चला आया। अगर था भी अजीब, इसको कहते मोहित, अब तो पता चल गया ना कि इस आबादी, इस देश के लोग किस टाइप के हैं। लेना भैया आबादी का नाम न लो, चुपचाप कहीं से इंतजाम करो, खा लो, काम खत्म करो। लेकिन उसके भी दिल में तक खाएंगे तो मौलाई के नाम पर। चला जा रहा था इत्तेफाक सड़क पे जा रहा, ऐसे सर गए, देखा ऊपर से दौलत सड़क की तरफ देख रही है। उसने वही झोला दोहरा दिया, अल्लाह तुम्हारा भला करे, परदेसी हूँ, लुट गया हूँ, मौला के नाम पर इतना दे दो कि पेट भर लू। वो भी ऐसी मुहिब, ऐसी चाहने वाली कि इसको देर ना हो, कौन जाए और खोले और निकाले। हाथ बढ़ाया दोनों ऊपर, कान तक निकाला, कर लो मौला के नाम पर, मौला के नाम पे जाओ। अच्छा जी, था शरारती टाइप का, भैया तुम बेचो जाओ, अपना खाना खाओ, खत्म हो गई। मगर वो आया फिर इस दुकान पर, कहां से गया था अभी, कहने मियां गैरत खाओ। अच्छा अब तो मिल ही गया, अब तो पेट भरी जाएगा, इनको कहीं क्या जाता है। कहने मियां गैरत खाओ, तुमसे अच्छी तो इस शहर की औरतें, तुम एक रुपया ना दे सके और इसने मौला के नाम पर अपना इतना कीमती जेवर दे दिया। इस शहर में मेरे घर के अलावा कौन इतना बड़ा आदमी है उसकी बीवी के पास होगा? यानी वो उस इलाके के सेठ थे, खुदा ना खास्ता। तो खुदा ना खास्ता इसलिए भी जवानी की मोहब्बत नहीं, तो खुदा ना खास्ता ही सेठ होगा आदमी। शर्मा पड़ी है मामला थोड़ा जवान। इस शहर में बड़ा कीमती मेरी बीवी के अलावा और किसके पास मुमकिन है? वो मुहिब्बे अली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर पहुंच गया। इतना गुस्सा उसको आया जनाबे ज़बीहुल्लाह महलाती, इतना गुस्सा चला उसका, दुकान बंद की मारे गुस्से के घर पहुंचा। पूछने की जरूरत भाई नहीं, सीधी निगाह, क्या हुआ? कब दे दिया? किसको? कहीं फकीर ने मांगी? इतनी कीमती चीज कहीं फकीर को दी जाती है? क्यों दिया तूने? उसने कहा उसने कैसा नाम लिया था, उसने कैसा नाम लिया था कि उस नाम के बाद मैं मना नहीं कर सकती थी। क्या कहा था उसने? कहा उसने मेरे मौला के नाम पर मांगा था, उसने अली के नाम पर मांगा था, इसको और जलाल आ गया। यहीं पर रुक करके देखिए, जहेज वहेज की मुखालिफत अपनी जगह है। मैं इतना जुमला में कहता जरूर हूं यहां कि इतना जरूर अगर अल्लाह ने नवाजा है तो इतना जरूर दे दे लड़की को अपनी, अगर खुदा ने दिया है कि वक्त जरूरत ये जुमला कह सके। क्यों दे दिया तूने? का मौला का नाम लिया था, उसने कैसे मेरे घर में होते हुए बगैर मेरी इज्जत के दिया क्यों तूने? उसने कहा सुनो, मैंने अपने बाप का माल दिया है, तुम्हारा नहीं दिया। क्यों दिया? मौला की मोहब्बत में पूरे शबाब पर इसका गुस्सा। उसने कहा अच्छा ऐसे ही अगर मोहब्बत अली देखे अली क्या करते हैं। इस मोमिना का दोनों हाथ इसने काटा, तलाक दिया, निकल जाए मेरे घर से, निकाल दिया। हाथ कट रहे, खून बह रहा है, मोमिना लड़की चली जा रही है। चलते चलते जिसका खून बह रहा हाथ कट गया, कहां तक बर्दाश्त करे? गिर पड़ी बेहोश। इत्तेफाक से जहां गिर के बेहोश हुई वो एक मुसाफिर खाने का कंपाउंड है, इहाता है। रात को मुसाफिर खाने का मालिक निकला, ऐसे ही टहलता हुआ, कोई चोरू चक्का ना कहीं दबा छुपा हो, देखा एक लड़की पड़ी है बेहोश, उसका हाथ कटा, उठवा के ले आया। दवा इलाज होश में आई, किस्सा पूछा, उसने दास्तान सुना दी। इत्तेफाक से वो मुसाफिर खाने का मालिक मुहिब्बे अली थी निकला। उसने कहा बेटी घबराओ मत, अपना घर समझो, मैं भी आशिक मौला हूं, यहां तुमको कोई अजियत नहीं होगी। एक मुद्दत गुजर गई, कुछ दिनों के बाद मुसाफिर खाना उठाई, वहां एक काफिलों का हाँ सही है, काफिलों का ताजर ठहरा, ताजरों का है काफिला ठहरा।
रात को ताजरों का सरदार उठा नमाज शब के लिए, इत्तेफाक से जो वजू के लिए निकला तो उस वाली लाइफ आई थी, इस तरह देखा उसने गुजरा है, कभी अंधेरा होता है कभी उजाला होता है, कभी लाइट कम होती है कभी, तो आज हो तो कोई मसला ही नहीं आदमी तो वजू नहीं करेगा, कोई लगा होगा इतना ही कपल उस दौरे से कुछ नहीं है, क्या चक्कर है। अब उसने झांका, देखा एक औरत है नमाज शब पढ़ रही है, वो भी सर को सजदे में रखती है, रोशनी हल्की हो जाती है, सर सजदे से उठाती है, उसके चेहरे के नूर से कमरा कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला, वापस आया नमाज वमाज पढ़ी। जब सुबह जाने लगा तो जितना उसके पास माल उजर था वो सब उसने मुसाफिर खाने के मालिक के हवाले किया। मुसाफिर खाने के मालिक की जौजा ने कहा कि कोई बेवकूफ नहीं है जो इतना सारा माल तुमको बिना वजह दे, उसको पूछो चाहता क्या, कभी कोई मकसद हो तो बोलिए, उस कमरे में लड़की रहती वो कौन है। अब इसने पूरा किस्सा है अपने ऊपर, मेरी बेटी है, कहा अगर आपकी बेटी है तो मुनासिब हो तो मुझसे शादी कर दीजिए, और अभी मैं नहीं कह पाऊंगा, लड़की से पूछ लेता, गया का बेटी ताजिरों का सरदार तुमसे शादी करना चाहता है, उसने कहा मगर मैं अब नहीं करना चाहती, क्यों, कहते मेरे हाथ कर दे। और जब औरत शौहर की खिदमत गुजारी ना कर सके तो फायदा क्या, वो बार बार जो उलझन होगी, बात बढ़ेगी, निकलेगी क्या निकले, ऐसे हाथ कट गया, हाथ कट गया, हाथ कट गया, हम ये बर्दाश्त ना कर पाएंगे। मौला के नाम पर मिलता है जाता नहीं किसी का, लिहाजा हमेशा उसने आते पूरी बात ऐसे ही दोहरा दी, भैया ये चक्कर उसका हाथ कट गया, चूंकि खिदमत गुजारी नहीं कर सकते इसलिए शादी करने तैयार नहीं। उसने कहा उसका हाथ मौला की मोहब्बत में कटा है, कहा तो फिर वो मेरी खिदमत क्या करेगी, मैं उसकी खिदमत करूंगा, तो मेरी खिदमत करेगी, इधर से इसरार उधर से इनकार, इधर से इसरार उधर से इनकार, जब बहुत हुआ तो लड़की ने मजबूर होकर अच्छा ठीक है आपकी तारीफ तय हो गया जाना है कल, कहते हैं कि इस मोमिना ने मुसल्ला बिछा दिया, खुदा तेरे वली के नाम पर मेरा हाथ कटा, क्या तू चाहता है कि शौहर के सामने शर्मिंदा रात भर सजदे में खालिद के सर रख के गिड़गिड़ाती रही। शहर के करीब एक मरतबा उस हजरे से रोने की आवाज बुलंद हुई, दौड़ते मेहमान सरा का मालिक क्या बात है, उसने सर सजदे से उठाया, कहती देखो मेरे मौला ने मेरा हाथ वापस कर दिया, देखो मेरे अली ने मेरा हाथ वापस कर दिया है, हो गई चले गए। अरे दोनों मियां बीवी की हैसियत से रहने लगे। एक दिन इसके यहां फकीर आया, फकीर ने आवाज लगाई, मियां बीवी दोनों घर के अंदर है किसी काम में शौहर मसरूफ, उठने का जाओ फकीर को भीख दिया हो, ये औरत निकली के भीख दे दे, भीख तुम फला शहर के रहने वाले हो, अब वही मुतवज्जे हुआ, अब दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, ये तो वही मेरी सौजा है जिसका मैंने हाथ काट के निकाल दिया था, ये तो वही मेरा शौहर है पुराना वाला जिसने मुझको घर से बाहर कर दिया था। उसने कहा ये बताओ पहले तो मेरी सुन लो कि तुमने मुझको निकाला कि देखे अली क्या करते, देखो मेरा हाथ, अब तुम अपनी बताओ, तुम तो दौलतमंद थे, तुम तो पैसे वाले थे, तुम तो सेठ थे, ये भी क्यों मांग रहे हो, कब पता नहीं कैसे हुआ, एक रुपया अली के नाम पे नहीं दिया था, तुम्हारा हाथ काट के जैसे ही मैं घर से निकला दुकान पर, तो बैंक का सिस्टम नहीं था, सब रखा ही जाता था, पता नहीं कैसे दुकान और घर में एक साथ आग लगी कि सारा असासा जल के खाक हो गया, अली के नाम पर एक दिरहम नहीं दिया, तब से आज तक एक एक रोटी के लिए दर दर, शौहर अंदर बैठा हमें ठीक देने में कितनी देर लगती है, ये गई तो है कहां गई, होगा नहीं होगा, ये गई तो है कहां गई, आखिर ठीक देने में कितनी देर लगती है, वो भी निकल आया। अब जो निकला देखा फकीर में और बीवी में बातें हो रही है, ओ अच्छा ये वही पुराने मियां बीवी है, ये कहे भैया तो फिर मुझको ही पहचान लो, जब तुम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया है, मैं वही इंसान हूं जो रास्ते में लुट गया था और तुमने एक रुपया नहीं दिया, इस मोमिना ने मुझको जेवर अता कर दिया, अब पहचाना मोहब्बत अली ने हमको यकजा कर दिया, दुश्मन अली ने तुमको रतनिया कर रखा है ना, मोहम्मद
मजलिस मैंने तमाम कर दी। मोहब्बत अली, बार बार इस जुमले को दोहराता हूं ताकि याद हो जाए, अदबू औलादकुम अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब, अपने बच्चों को पालो, अपने बच्चों को परवरिश करो इश्क अली पर, मोहब्बत अली पर, कुछ नहीं तो हुसैन से सबक लो कि हुसैन ने अपने सारे बच्चों का नाम अली रखा। इमाम सज्जाद का नाम अली, इमाम सज्जाद के बाद अकबर का नाम अली, असगर का नाम अली, और यही वजह है कि जितनी मोहब्बत सरकार सैयदुश्शुहदा को इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह को अकबर से थी, तो इधर अकबर मैदान में गए, हुसैन से बैठा न गया, पीछे पीछे हुसैन इब्ने अली भी अकबर के दौड़ पड़े, नहीं चल सके, गिर पड़े। बेटा वापस आ गया, बाबा आपको इजाजत दे चुके थे, फिर क्यों चले आ रहे, काश तुम साहिबे औलाद होते। अच्छा जाओ, जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के अपने बाप को शक्ल दिखला दे जाओ, देर तक पाऊंगा मसला। या अल्लाह, हुसैन अलैहिस्सलाम के जवान के मसाइब होने जा रहे, खुदा आज इन जवानों के दिलों से सब निकाल दे, और जिस तरह ये गलिया करे कि लहला खुश हो जाए, और जिस तरह ये गलिया करे कि लहला खुश हो जाए, जबान बहन में दो ताकि हुसैन ने बताया मैं तुमसे ज्यादा प्यासा हूं।
मुझको अजीब लगी, बहुत अच्छी लगी। आप तवज्जो करें, वो इंसान कहता है शायद इमाम का मतलब ये ना रहा, बल्कि हो सकता है इमाम का मतलब ये रहा। क्या? कि जब खुदा किसी इंसान को बेटा देता है, जब अल्लाह किसी इंसान को औलाद देता है, देखा है आपने ना, खुदा साल भर का है, दो साल का है, बेटा पांच साल का हो गया। बाप को देखा कभी आपने? कभी बेटे के यहाँ चूमता है, कभी यहाँ चूमता है, कभी यहाँ चूमता है, कभी पेशानी में चूमता होता है। लेकिन यही बेटा जब उसका 20 साल का हो जाए, यही बेटा जब किसी का 18 साल का हो जाए, अब आपने किसी बाप को देखा है अपने जवान बेटे का मुंह चूमते हुए? अब आपने किसी बाप को देखा है जवान बेटे के लब चूमते हुए? उससे पूछिए कि जब तुम्हारा बेटा 2 साल का था तब तो खूब चूमते थे तुम, अब ये जब 18 साल का 20 साल का जवान हो गया तब क्यों नहीं चूमते? क्या अब तुमको उस बच्चे से मोहब्बत नहीं है? तो इंसान का जवाब क्या होगा? मोहब्बत, बल्कि उस बच्चे से ज्यादा इस जवान से मोहब्बत है। लेकिन अब इंसान को जवान बेटे का मुंह चूमते हुए शर्म आती है। हर इंसान को मुंह चूमते हुए गैरत आती है। अकबर का हाल क्या है? जरा हुसैन की मोहब्बत का जोश आप और कीजिए। अकबर का हाल क्या है? 1,00,000 सिपाही है करबला में, सबसे अकबर 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं, और उस मजमे में जाके अकबर 200 आदमियों को कत्ल करने पड़ते हैं। क्या लाइन लगा के सब खड़े हो गए थे? ऐसे कत्ल करने के लिए हुनर चाहिए, ऐसे में ताकत चाहिए, ऐसे में जब 1,00,000 गांधी मान लीजिए, एक प्यासे के लिए 30,000 भी कम नहीं है। 30,000 के मजमे में किसी का जवान 3 दिन की भूख और प्यास के बाद 200 आदमियों को मार के पलटे, हुसैन का दिल कितना खुश हुआ? अब हुसैन की मोहब्बत में कैसा जोश मारा होगा? हुसैन की मोहब्बत जोश मार रही है, हुसैन बहाने की तलाश में है। मायूस होकर पलटा, क्या बेटा या कल मर जाएगा या परसों, खर्च
इतना हो चुका कि अब घर में जो दाल उबल रही है वो भी उधार आई है। यकीन है कि बच्चा मर जाएगा। कहते हैं ना कि मरने से पहले इफाका होता है। एक तरफ बाप बैठा है, एक तरफ माँ बैठी है, घर में कुछ नहीं है, दाल भी उबल रही है तो कर्जे से आई है, माँ बाप लुट चुके हैं, जमीन जायदाद बिक चुकी है। इतने में बेटे ने आँख खोल दी, एक तरफ माँ को बैठे देखा, एक तरफ बाप को बैठे, बाप से खाने का दिल चाहता है।
सामने आ जाइए राजा। धड़क के खाए तो हो गए, मैंने आपके लिए चल तो पड़े, मैंने तो ये दे दिए, उसे में कुछ सोचा ही नहीं था। Yeah।